हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई सिटी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन सिटी चैनल वाईफाई सिटी पे। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 40 टू 50 मिनट का, जिसके अंदर हम लोग इंडिया के लीडिंग करंट अफेयर जो कि कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। और यकीन मानिए, आपको आने वाला एग्जाम जो भी आपके आ रहे हैं, CGL एग्जाम आ रहा है और भी बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, बैंकिंग के एग्जाम है, PCS के एग्जाम होंगे, UPSC होगा, सब जगह पे दोस्तों इस करंट अफेयर के सेशन से आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गाइस। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज है 11th of August, तो 11th of August के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो कि हम लोग कवर करेंगे। क्वेश्चन के अलावा डिटेल भी डिस्कस करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है वो सारे कवर करने वाले हैं। सुबह 5 बजे बहुत सारे ई न्यूज़पेपर आते हैं, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जनसत्ता, ये सारे न्यूज़पेपर, TOI, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया आपका, ये सारे न्यूज़पेपर जो है वो मैं पढ़ने के बाद में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो कि लेके आता हूं, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। ठीक है, चलिए, तो आज है 11th of August, तो 11th of August के इंपॉर्टेंट सेशन देखने वाले हैं। ये सारे एग्जाम में गाइस, अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये सेशन से बहुत बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहले प्रीवियस डे के क्वेश्चन देखेंगे, आज के सारे न्यूज़पेपर, उसके बाद में आज हिस्ट्री में क्या हुआ, कुछ फन फैक्ट, और साथ में आज से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है जो कि हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज, इसके अलावा अगर बात करें दोस्तों पहले सवाल की, तो मैंने आपसे पूछा था कि इंडिया ने दोस्तों $250 मिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि हमारे डैम को वापस से रेनोवेट करने के लिए दोस्तों किया है। तो ये किसके साथ में मिलकर कर रहे हैं हम लोग, ये वर्ल्ड बैंक के साथ में मिलकर है जो कि हम लोग कर रहे हैं। ओके गाइज, इसके अलावा दोस्तों आज रात को 9 बजे दोस्तों आज मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा करंट अफेयर, है ना, आपका जो मार्च से लेकर तो जुलाई तक का जो करंट अफेयर है, मार्च टू जुलाई, वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मार्च टू जुलाई 31st of July तक का मैं आपको करंट अफेयर आज अवेलेबल करवा दूंगा। आज रात को या तो 8 बजे क्लास कर लेंगे या 9 बजे कर लेंगे, जैसे भी ठीक लगेगा वैसे देख लेंगे। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ 2 बार रीडिंग करके जानी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। 2 बार रीडिंग करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। उससे पहले, मार्च से पहले के मैं करवा चुका हूं आपको जनवरी, फरवरी और मार्च, ऑलरेडी मैं आपको जनवरी फरवरी मार्च तक मैंने आपको करवा दिया है, अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल से करवाना है मेरे को। ठीक है, तो वो मैं आज रात को करवा दूंगा, आज 8 बजे या 9 बजे के आसपास क्लास कर लेंगे, देख लेना। 2 बार रीडिंग करके जाना है क्लास को, या फिर जो भी मैं आपको कंटेंट दूंगा उसको। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल की, तो ये केरला के द्वारा दोस्तों पास है जो कि किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है यहाँ पे मैजिने को लेकर, मैजिने की बात करें तो ये भारतीय हॉकी टीम के कोच थे, महिला टीम के कोच थे, और उनका भी जो ब्रॉन्ज मेडल के लिए जो मैच था वो उनकी टीम के साथ में लास्ट मैच था। नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है जेफ बेजोस को दोस्तों पीछे करके वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन कौन बन गए, यहाँ पे अर्नॉल्ड एंड फैमिली है जो कि बन गए हैं। ओके गाइज, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है जो कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, ध्यानचंद जी के नाम पे इसको रखा गया है। इसके अलावा अगर आप इंडिया में किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ओके, तो आप दोस्तों जो है अनअकैडमी प्लस के माध्यम से कर सकते हैं। आपको वहां पे PDF टेस्ट सीरीज इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएगी। आपको रेफरल कोड पूछेगा तो आपको लगाना पड़ेगा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यानी कि BHU10 या फिर BHU10, जिससे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। ये रेफरल कोड आप दोस्तों क्लास ज्वाइन करने के लिए UPSC, PCS, डिफेंस, बैंकिंग, SSC किसी भी के लिए भी कर सकते हैं। आपको सब कुछ जो है डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको सारे टॉप एजुकेटर की क्लासेस मिल जाएगी। अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको डाउनलोड करना है, मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना है, SSC है, UPSC है, IIT है, CA है, GATE है, जो भी आपका गोल है, मतलब 30+ एग्जाम में से प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने सेलेक्ट करके नीचे की तरफ आपको BHU10 है जो कि आपको लगाना है। ठीक है गाइज, आप EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। और अगर आपको GK पढ़नी है दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, तो आप SSC कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, जहां पे फाउंडेशन बैच में मैं आपको GK पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट। और अगर आप में से कोई जॉब कर रहा है, या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड जॉब कर रहा है गाइज, तो प्लीज उन्हें बताइएगा कि इस्माइल फ्रॉड का एक हैप्पीनेस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, वो ₹500 पर मंथ में एक बच्चे के एजुकेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं। इस बार टारगेट रखा गया है दोस्तों 1000 बच्चों को, बच्चों का 15 अगस्त को टारगेट रखा गया है कि 1000 बच्चों को एजुकेशन के लिए फिलेंथ्रोपिस दिलाने हैं। तो शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे नाम से जो है एक कैंपेन है जो कि हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और इस कैंपेन के माध्यम से उम्मीद करेंगे कि 15 तारीख को, 15 अगस्त को देश की आजादी के दिन जो है वो काफी लोगों को जो है फिलेंथ्रोपिस मिले, और वो अच्छे तरीके से आगे दिन वाले दिनों में पढ़ाई कर सके। आज के कोट ऑफ द डे की बात करते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, वेयर देर इज नो स्ट्रगल देर इज नो एब्सोल्युटली नो प्रोग्रेस। तो यहाँ पे दोस्तों बात बहुत ही सिंपल से बोली गई है, और बहुत ही अच्छी बात बोली गई है कि जहां पे दोस्तों कोई भी प्रोग्रेस नहीं होगी ना, यकीन मानिए वहां पे कभी स्ट्रगल भी नहीं हुआ होगा।
अगर आज आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, मुझे मालूम है बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं दोस्तों जहां पे आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। कई लोग फिजिकल हेल्थ की वजह से प्रॉब्लम है, कई लोग फैमिली की प्रॉब्लम होती है, कई लोग फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, कई लोग जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम चल रही है, मोटिवेशन की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है लाइफ के अंदर। लेकिन यकीन मानिए, अगर आप अपने एम के साथ में लगे हुए हो, जुटे पड़े हुए हो, तो आपको बहुत बेनिफिट है जो कि मिलेगा, क्योंकि यही स्ट्रगल जो है आपको आने वाले दिनों के अंदर प्रोग्रेस के रास्ते पे जो कि लेके जाएगा। दुनिया में ऐसी कोई भी फील्ड नहीं है, ऐसा कोई भी काम नहीं है जहां पे मेहनत ना करनी पड़ी हो या फिर जहां पे स्ट्रगल ना करना पड़ता हो, ठीक है। लेकिन बस आप अपने लगे रहिए, अरे भाई आपके पास में खोने के लिए है ही क्या यार, आप ये देखिए ना आपके पास में क्या है। अगर कोई बहुत ही अंबानी अडानी की फैमिली से, बहुत ही रिच फैमिली से है, तो डेफिनेटली उनके पास में खोने के लिए बहुत चीजें होती है, उन बच्चों के पास में उनके फादर का नाम होता है, उनके फैमिली का बिजनेस होता है। लेकिन जब हम लोग गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारे पास में खोने के लिए कुछ नहीं होता गाइस। तो जब कुछ है ही नहीं खोने के लिए तो क्यों पीछे हटना अपनी मेहनत से। मेहनत करो यार, दिन रात एक करो, ठीक है, भूल जाओ ये सब चीजें क्या होता है, आराम आराम, ये सब चीजें कोई मतलब नहीं जब तक आपका करियर उस लेवल पे नहीं पहुंच जाए जहां पे जाके आपको लगे कि चलो ठीक है अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स कर सकता हूं। तब तक ये सब चीजें भूल जाओ यार, फुल मेहनत करो, फुल पढ़ाई करो अपना, या तो रात या फिर सुबह, दोनों में से एक टाइम ऐसा निकालो जब आप पूरी दुनिया जब सो रही हो तब आप अपने एम के पीछे लगे हुए हो, ठीक है, तब जाके कुछ चीजें हैं जो कि सही रास्ते पे जाएगी। आगे बात करते हैं दैनिक हिंदू के फ्रंट पेज पे दोस्तों। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, लोकसभा के बिल को लेकर। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को लेकर, और यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ने इंश्योरेंस बिल को लेकर जो है वो स्क्रूटनी करने को डिमांड करी है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो दो फ्रंट पेज में दो ही न्यूज है, दोनों के बारे में बात करेंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे लोकसभा को लेकर बात करेंगे। लोकसभा में ट्यूसडे को दोस्तों 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है जो कि पास हुआ है, और इसको सपोर्ट है जो कि सभी लोगों से मिला है। जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार, ओके, उन्होंने दोस्तों बोला था कि भाई इसकी जो है बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने दोस्तों इसको क्या किया है, सपोर्ट है जो कि किया है। अब देखिए यहां पे दोस्तों मुद्दा क्या हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड में लेके चलूंगा, इसके बारे में समझाऊंगा कि 127वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है क्या, क्योंकि यही आपके पेपर में पूछा जाएगा, समझ गए मेरी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूं। 127 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से 167 कास्ट को पूरी कंट्री के अंदर बेनिफिट होगा, और राज्य को दोस्तों ये पावर मिल गई है कि कौन सी जाति को, कौन सी कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में डालना है, समझ गए मेरी बात। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि ये जो पावर है ओबीसी के अंदर लिस्ट में कौन सी जातियों को डालना है, ये पावर सेंटर की पावर है। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब तक राज्य जो है इसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे तब तक राज्यों के अंदर जो है वो बेनिफिट जो है कई सारी जातियों को नहीं मिल रहा, इसलिए सेंटर ने ये पावर राज्यों को सौंप दिए, जिससे अपने अपने लेवल के ऊपर राज्यों के अंदर जो है वो क्या कर सके, रिजर्वेशन जो है वो दे सके, ओबीसी लिस्ट के अंदर उनको डाल सके, समझ गए मेरी बात। ये सेंटर गवर्नमेंट का ऐसा कहना है। अब मैं थोड़ा सा इसको बैकग्राउंड में लेके चलता हूं। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी रिसेंटली है ना 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को सपोर्ट किया था, और बोला था कि जो प्रेसिडेंट है वो रिकमेंड करते हैं नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को, ओके, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है ना वो रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को, और उसके बाद में दोस्तों किसी भी कम्युनिटी को ओबीसी की लिस्ट में डाला जाता है, समझिए मेरी बात, स्टेट की ओबीसी की लिस्ट में। तो ये तो दोस्तों बात है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल आपका 338B है और आपका 342A है, ओके, इसके अंदर साफ तौर पे बोला गया है 338B में तो स्ट्रक्चर ड्यूटी और पावर के बारे में बोली है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, और 342A के अंदर दोस्तों प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करता है गवर्नर के साथ में, और किसी भी कम्युनिटी को सोशली या फिर एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के अंदर जो है इंक्लूड करते हैं। तो यानी कि प्रेसिडेंट भी आ गया यहां पे दोस्तों, बात हो गई सेंटर गवर्नमेंट की कुल मिला के, ठीक है गाइस। अब इस वाले फैसले से क्या हो गया कि जो मराठा कोटा वाले जो बात चल रहे थे ना इतने टाइम से, वो दोस्तों क्या हो गया, क्रॉस हो गया, क्योंकि मराठा कोटा दोस्तों क्या हो गया, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जा सकता था। जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा कोटा की वजह से हर राज्य के अंदर दोस्तों जो मेजोरिटी ऑफ कास्ट है ना उनके वहां पे दोस्तों रिजर्वेशन को लेकर इश्यू हो रखे हैं। जैसे कि गुजरात में जाओगे तो पाटीदार है, राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में भी गुजर मीणा गुजर आंदोलन चलता रहता है। इसके अलावा महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश में भी है, यूपी के अंदर भी है, बहुत जगह पे दोस्तों अलग अलग राज्यों में चल रहा है, ठीक है।
तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि भाई राज्य के अंदर जो है राज्य ही है जो कि सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के ऊपर अपनी लिस्ट है जो कि तैयार करेंगे। अब दोस्तों अमेंडमेंट क्या किया गया है, इसमें क्या किया गया है कि जो फर्स्ट और सेकंड जो आर्टिकल 342 का जो क्लॉज था ना उसको नया क्लॉज एड ऑन कर दिया गया है, नया क्लॉज क्लॉज 3 है जो कि एड ऑन कर दिया गया है। ओके, और अमेंडमेंट 366 और 338 बी के अंदर यहां पे कर दिया गया है और बोल दिया गया है कि जो स्टेट लिस्ट है ओबीसी की, ओके, वो कौन डिफाइन करेगा, वो स्टेट लिस्ट जो है वो स्टेट ही है जो कि डिफाइन करेंगे, अब स्टेट की असेंबली है जो कि इसको डिफाइन करेगी, समझ गए मेरी बात। तो ये वाली बात हो चुकी है। इससे अलावा दोस्तों कई सारे एमपी ने जो है वो क्रीमी लेयर वाले प्रावधान को भी हटाने के लिए बोला है। क्रीमी लेयर के अंदर आपको मालूम है अगर सालाना मान लीजिए किसी की 8 लाख रुपए पर ईयर इनकम है और वो ओबीसी लिस्ट में से है तो उसको जो है ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता है, ये क्रीमी लेयर बोलते हैं इसको। ओके, जस्टिस जो रोहिणी कमिटी है दोस्तों उन्होंने भी जो है बोला था कि सब कैटेगराइजेशन जो है ओबीसी कोटा का भी होना चाहिए कि कौन सी कास्ट कितना फायदा उठा रही है रिजर्वेशन का ओबीसी में, उसको भी क्लासिफिकेशन है जो कि करना चाहिए। ओके गाइस, तो 27% रिजर्वेशन जो है वो ओबीसी को दे रखा है, 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रखा है। रिसेंटली ऑल इंडिया कोटा जो होता है मेडिकल के अंदर उसके अंदर भी रिजर्वेशन जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। ओके, तो कुल मिला के दोस्तों आने वाले दिनों के अंदर आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि 50% जो सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट लगा रखी है रिजर्वेशन को उसको भी हटा दिया जाए, क्योंकि कुल मिला के बात क्या है कि यहां पे आपको सोशल वेलफेयर, अगर मैं देखो थ्योरेटिकली तो मैंने आपको बता दिया लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करूं दोस्तों तो यहां पे सोशल वेलफेयर आपको कम और यहां पे आपको पॉलिटिकल एजेंडा ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में इलेक्शन में इस चीज को पूरा फायदा है जो कि लिया जाएगा और जहां जहां पे मेजोरिटी ऑफ जो कास्ट है कम्युनिटीज है उसको रिजर्वेशन के नाम पे जो है लालच देके वोट बैंक है जो कि हासिल किया जाएगा। ये मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, बाकी थ्योरेटिकली तो सोशल वेलफेयर के नाम पर किया जा रहा है। लॉ मेकर्स ने दोस्तों ये भी बोला है कि जो 50% कैप है ना रिजर्वेशन के ऊपर, ओके, उसको भी हटा दिया जाए, उसको भी हटाने के लिए बोला गया है, यानी कि रिजर्वेशन 70% 60% 80% तक दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो आपका 50% जो आपका जनरल कैटेगरी होता है ना वो एक्चुअली के अंदर जनरल के लिए नहीं होता, जनरल का मतलब होता है उसमें सभी लोग इंक्लूड होते हैं, इट इज फॉर ईच एंड एवरीवन। 50% तो आपको मालूम है रिजर्वेशन ऑलरेडी है एसटी एससी ओबीसी के अंदर, और जो 50% बचता है इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग बचे हुए उनके लिए है, इसका मतलब ये है कि वो सभी के लिए है। वैसे अगर मान लीजिए कोई ओबीसी एसटी एससी में भी अच्छे नंबर लाता है तो उसको जनरल कैटेगरी में भी सीट मिलती है, समझिए मेरी बात, तो इट इज फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात करेंगे। जो आपके अमेंडमेंट बिल होते हैं ना वो 3 प्रकार से दोस्तों क्या होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होते हैं, जैसे कि एक तो होता है आपका सिंपल मेजोरिटी, ओके, 51% 50+1% है जो कि आपको चाहिए होता है 51%। एक होती है आपकी स्पेशल मेजोरिटी जिसके अंदर क्या होता है कि 2/3 मेजोरिटी से आपको पास करना होता है किसी भी चीज को आर्टिकल 368 के द्वारा। एक तीसरा एक और होता है दोस्तों स्पेशल मेजोरिटी जिसके द्वारा संविधान में बदलाव होते हैं जिसमें 50% से ज्यादा राज्य को दोस्तों सहमति है जो कि देनी पड़ती है। ओके, ये आपका सेकंड क्लॉज है आर्टिकल 368 का, 368 के द्वारा ही संविधान में चेंजेस है जो कि होते हैं, समझ गए मेरी बात, और इसको किसी भी लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी इसको दोस्तों पेश किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा मनी बिल और आपके कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल इन दोनों के ऊपर कभी भी ज्वाइंट सिटिंग जो है वो नहीं होती है, समझ गए मेरी बात। तो कैसे संविधान में बदलाव होते हैं ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, 3 प्रकार से दोस्तों बदलाव है जो कि संविधान में किए जा सकते हैं, समझ गए मेरी बात। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दोस्तों पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर। आपको मालूम है कि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे दोस्तों पॉलिटिक्स में आप ज्यादा क्रिमिनल ज्यादातर जो आपको खूंखार लोग जो किसी शहर के होते हैं जो कि मोस्ट क्रिमिनल वाले कैटेगरी के अंदर होते हैं वो आपको पॉलिटिक्स में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ये जो लिमिट है दोस्तों ये बढ़ती ही जा रही है, कम नहीं हो रही, क्योंकि आप जनता तो आपको मालूम है बेचारी बहुत ही बोली है, जनता को तो ऐसा लगता है कि भाई आदमी तो ये नेक आदमी है चाहे उसके खिलाफ 10 जो है वो केस चल रहे, क्योंकि उसको कोई बताने वाला ही नहीं है कि एक्चुअली के अंदर इस आदमी का बैकग्राउंड जो है वो क्या है जिसको ये लोग वोट देने वाला है। जनता बहुत बोली होती है, जनता से पूछा जाता है कि विकास आया तो जनता बोलती है कि भाई हमें नहीं पता विकास आया कि नहीं आया, मैं तो किस गांव के अंदर था ही नहीं, जो आया हो सकता है विकास आया हो लेकिन कल चला गया हो। ओके, तो जनता बहुत बोली होती है तो उनको पता नहीं होता कि कौन से लोगों को जो है जब वो वोट देने वाले हैं तो उनका पीछे बैकग्राउंड क्या है। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इसको लेकर जो है काफी स्ट्रिक्ट है जो कि पैरामीटर अपनाया और बोला है कि जब भी आप किसी भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करते हो तो 48 आवर्स के अंदर पब्लिश करना पड़ेगा उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों मॉडिफाई किया फरवरी 2020 के जजमेंट को
ओके, और यहाँ पे बोला है कि भाई देश की जनता जो है वो पेशेंस लूज कर रही है, क्रिमिनल जो है वो पॉलिटिक्स में बढ़ते जा रहे हैं, और फाइन भी लगाने के लिए बोला है अगर कोई ऐसा नहीं करेगा तो। लास्ट टाइम पे भी दोस्तों फाइन है जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ऊपर है जो कि लगाया गया है बिहार असेंबली इलेक्शन के टाइम पे, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट होगा तो उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री जो है ना वो उनके वेबसाइट के फ्रंट पेज के ऊपर है जो कि दिखानी पड़ेगी, ठीक है, और कैप्शन भी डालना पड़ेगा कैंडिडेट विद द क्रिमिनल ओके एंटीसीडेंट्स। तो ये कैप्शन डाल के जो है ना हाईलाइट करना पड़ेगा 48 आवर्स ऑफ देयर सिलेक्शन, समझ गए, ये बात है जो कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। इससे पहले भी दोस्तों 5 लाख रुपए का फाइन है जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, इन सबके ऊपर दोस्तों लगाया गया था बिहार इलेक्शन के टाइम पे। अगर आप फिलहाल देखोगे कि कितने कैंडिडेट दोस्तों जो आपने चुने हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों बीजेपी के अंदर 109 कैंडिडेट को एनालिसिस किया गया जिसमें से 70% के खिलाफ दोस्तों आपको जो है क्रिमिनल केसेस देखने को मिलेंगे। आरजेडी भी दोस्तों 70% पे, कांग्रेस 64 पे, एलजेपी 52, जेडीयू 49 और बीएसपी 37%, ठीक है गाइस। ये देखिए कैंडिडेट विद द डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस, ओके, तो 70% कैंडिडेट जो है ना बीजेडी और बीजेपी के और आरजेडी के 2020 के बिहार असेंबली इलेक्शन के अंदर क्रिमिनल केसेस वाले थे, ओके, मतलब कितनी बड़ी बात है, और लोग जिता भी रहे, मतलब यार ये बहुत अजीब बात है। देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो तो चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को खड़ा करे ताकि वो धरा डमका के थोड़े से वोट ले ले, लेकिन जनता वोट दे रही है ये थोड़ी सी अजीब बात है, क्योंकि यार डेमोक्रेसी में तो यही होना चाहिए कि जो नीट एंड क्लीन, जिसका बैकग्राउंड हो, जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, जिसकी बातें थोड़ी अच्छी हो, पीसफुल पीस को लेकर जिसकी बातें हो, उनको वोट मिलना चाहिए। लेकिन कई जगह पे क्या होता है कि जो रीजनल पॉलिटिक्स होती है ना वो अलग ही गेम प्ले करती है, ठीक है। तो यहाँ पे 71 पेज का जजमेंट है दोस्तों जो कि यहाँ पे दिया गया नरिमन साहब के द्वारा, और उन्होंने लेजिस्लेटर को बोला है कि भाई जल्दी से जल्दी इस चीज के ऊपर स्ट्रिक्टली जो है ना वो काम है जो कि करना चाहिए, ठीक है गाइस। और इनफैक्ट जो आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, फेसबुक ट्विटर जो उस पार्टी के, उनके ऊपर भी उनको क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो कि उनके दिखाने पड़ेंगे, ठीक है गाइस। चलिए यहां पे देखिए 1 लाख रुपए का फाइन है जो कि काफी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ है जो कि लगाया गया था फरवरी के अंदर, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को इग्नोर किया था, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करी गई है कि वोटर को जो है ये पूरा का पूरा अधिकार है कि वो हर एक के बारे में जाने, सिर्फ और सिर्फ मेयर फॉर्मेलिटीज ना करे। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कमीशन को बताती तो है कि भाई इसके खिलाफ इतना क्रिमिनल केसेस है, लेकिन वो बहुत ही छुप जाता है, बहुत ही कोने में जाके जो है वो देखना पड़ता है, इतनी आम जनता कोई मेहनत करती नहीं है, तो उसको हर जगह पे पब्लिश करने के लिए बोला गया है, ठीक है गाइस। आप देखोगे नंबर तो देखिए जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है ना वैसे वैसे देखिए आपके जो क्रिमिनल केसेस वाले 43% है जो कि लोकसभा के अंदर है इस बार, ये मैं आपको पूरे इंडिया का सिनेरियो बता रहा हूं 43%, ओके। सीरियस केसेस वाले देखिए 29%, ओके, 2009 में 14% थे और क्रिमिनल केसेस वाले 30% थे, अभी बढ़ के 43 हो गए। ऐसा ना हो कि 2050 तक आते आते सारे जो क्रिमिनल है वही जो है वो इलेक्शन लड़ते हुए नजर आए। इसके अंदर अगर आप पार्टी वाइज एमपी देखोगे अगर जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस है तो 116 दोस्तों बीजेपी के और 29 है कांग्रेस के और जेडीयू के 13 है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2019 जो है 2019 के लोकसभा इलेक्शन के बताए गए हैं। आगे बात करते हैं पेज नंबर 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आईआईटी और एम्स के बारे में बात है जो कि करने वाले हैं, ठीक है गाइज। तो हमारे आईआईटी दिल्ली और एम्स के रिसर्चर ने दोस्तों एक टेलीरोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम है जो कि डेवलप किया है ताकि लोगों की इजीली जो क्या कर सके, जांच जो कि कर सके। देखिए कोविड के अंदर क्या हुआ कि कई सारे पेशेंट आते थे उनकी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुआ करती थी, अल्ट्रासाउंड भी उनका करना पड़ता था, तो आपको ऑब्वियसली जो है वो अपने खुद के हाथ जो कि लेने पड़ रहे थे जिससे हो सकता था कि कई सारे डॉक्टर भी इन्फेक्टेड हुए हो। लेकिन अभी क्या हुआ, एक रोबोटिक आर्म बनाया गया जो कि क्या करेगा, चेक करने के अंदर मदद करेगा, अल्ट्रासाउंड करवाने में मदद करेगा। तो उसको टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम है जो कि बोला गया है, और इसमें क्या एक रोबोटिक आर्म बनाया गया है, समझ गए। तो इसके अंदर उस रोबोटिक आर्म के माध्यम से जो है अल्ट्रासाउंड करने को लेकर हेल्थ मदद जो कि अवेलेबल करवाई जाएगी, ठीक है गाइस। तो ये आपके एम्स और आईआईटी दिल्ली के द्वारा दोस्तों ये रिसर्च जो कि करी गई है। इसके और भी कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, क्लोज कॉन्टेक्ट जो पेशेंट के साथ में वो कम हो जाएगा स्कैन करने के टाइम पे, क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जो है ओके उसके अंदर हेल्प मिलेगी, डिस्टेंस मेंटेन करके आप कोई भी चेकअप कर सकते हो, समझिए मेरी बात। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 8।
यहाँ पे दोस्तों उज्ज्वल 2.0 स्कीम है जो कि लॉन्च करी गई है। उज्ज्वल योजना दोस्तों आप सभी को मालूम है, जिसमें फ्री एलपीजी कनेक्शन है जो कि देने को लेकर बात करी गई। इसके बारे में बात करेंगे और दो न्यूज है जो कि यहाँ पे डिस्कस करने वाली है। सबसे पहले तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो है ट्यूजडे को लॉन्च किया सेकेंड फेज उज्ज्वल गैस कनेक्शन स्कीम का पुअर लोगों के लिए, और जिससे बोला जा रहा है जो माइग्रेंट वर्कर्स है, जो उनकी फैमिलीज है, उनको बहुत लोगों को बेनिफिट है जो कि मिलेगा। उज्ज्वल का पूरा नाम था दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, ये इसकी पूरी स्कीम का नाम था। इस बार बोला गया कि जो माइग्रेंट वर्कर है ना, जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए, गैस कनेक्शन के लिए, उनको हेल्प जो कि इस बार अवेलेबल करवाई जाएगी। ठीक है, इस माइग्रेंट वर्कर को जो है वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो कि अपने एड्रेस प्रूफ जो कि जहां पे रह रहा है वहां के लिए अवेलेबल करवाना है, और उसके बाद में उसको जो है यहाँ पे इजीली जो है गैस कनेक्शन है जो कि अवेलेबल हो जाएगा। समझ गए मेरी बात, ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा 11,000 नए एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जो कि देश में बनाने को लेकर बोला गया है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन आ रहे हैं तो 2,000 से 4,000 उत्तर प्रदेश का भी स्पेसिफाई है जो कि यहाँ पे किया गया है। ठीक है, इसके अलावा बात करें, कई सारे महिलाओं से बात करी गई, कई सारे राज्यों के जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तारीफ करी स्कीम के बारे में। ओके, और बताया लास्ट टाइम जब ये 2016 में लॉन्च करी गई थी तब उत्तर प्रदेश के बालिया नाम की जगह डिस्ट्रिक्ट है वहां से इसकी लॉन्चिंग है जो कि करी गई थी 2016 के अंदर। उस टाइम पे भी इलेक्शन से पहले जो है इसको करी गई थी। इस बार भी दोस्तों जो है शेड्यूल है जो कि अभी राइट नाउ है इसके बारे में किया गया है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के बारे में, तो 2016 में इसको लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के द्वारा, और ऑयल मार्केटिंग कंपनी है ना उनके थ्रू दोस्तों इस इनिशिएटिव को लॉन्च है जो कि किया गया था। ओके, टारगेट क्या था कि जो बीपीएल परिवार के जो 5 करोड़ लोग हैं उनके घर के अंदर फ्री एलपीजी कनेक्शन है जो कि उनको दिया जाए। समझ गए मेरी बात, और टारगेट को 2019 में अचीव भी कर लिया गया। आपने देखा होगा कि गांव के अंदर दोस्तों आज भी हमारे भारत के अंदर देखिए 60% आज भी हमारा देश जो है वो ग्रामीण भारत है। समझ गए मेरी बात, गांव के अंदर अगर आप आज भी देखोगे बहुत जगह पे तो आपको देखने को मिलेगा चूल्हा, चूल्हे के अंदर लकड़ियां काम में ली जाती है, कई जगह पे केरोसिन जो है वो काम में लिए जाते हैं, है ना, केरोसिन से जो है वो बनाया जाता है खाना। तो क्या होता है कि इतनी ज्यादा गैस निकलती है कि महिलाओं के जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम बहुत सारी होती है। आपने देखा होगा गांव के अंदर कभी चूल्हे की रोटी खाई होगी, खाना खाया होगा, तो काफी गैस है जो कि निकलती है जो कि हमेशा नुकसान करती है आसपास के जो भी लोग जो कि उसके पास में बैठे हुए होते हैं। उसी को दोस्तों बदलने के लिए क्लीन एनर्जी के लिए जो है ना ये स्कीम लॉन्च करी गई थी कि गांव के अंदर कोई चोला चोका काम में ना ले और गैस काम में ले ताकि क्लीन एनर्जी के माध्यम से वो खाना बनाए। समझ गए मेरी बात, ये हो गई पहली बात। इनिशिएटिव बहुत बढ़िया था, मोटिव बहुत बढ़िया था। ओके, और यहाँ पे 1600 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया था ताकि एलपीजी कनेक्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है जो कि हर एक परिवार को मिल सके। ठीक है गाइस, जो भी कास्ट सेंसस 2011 के हिसाब से बीपीएल माने गए थे उन सारे परिवारों को दोस्तों यहाँ पे दिया गया था। ठीक है गाइस, एसटी एससी हो गए, साथ में जिनके लोग अंत्योदय योजना में फॉरेन ड्वेलर्स हैं, मोस्ट बैकवर्ड क्लास से हैं, टी गार्डन वाले, पीपल रिसाइडिंग इन आइलैंड, ओके रिवर आइलैंड, ऐसी जगह पे भी दोस्तों ये जो गैस सिलेंडर है वो यहाँ पे बांटे गए थे। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पे क्या हुई है कि गैस सिलेंडर तो बांट दिए गए लेकिन उसके बाद में कितनी बार लोगों ने इसको रिफिल करवाया, ओके उसके बारे में दोस्तों कोई जानकारी जो है सरकार को नहीं रखी उन्होंने, और ये स्कीम दोस्तों कुछ ही टाइम में जो है वो फेल हो गई। फेल होने का मेजर कारण क्या था कि आपने गैस सिलेंडर तो बांट दिए लेकिन इस चीज के बारे में आपने ध्यान नहीं दिया कि कितनी बार वापस से लोग उसको रिफिल करवा रहे हैं। आप अगर मान लीजिए आपके घर के अंदर पानी की टूटी पानी तो लग गया, पानी का आपके वाटर टैप तो लग गया है, ओके लेकिन अगर उसमें पानी नहीं आ रहा तो क्या उस वाटर टैप का कोई मतलब है? नहीं है। उसी प्रकार से गैस सिलेंडर तो बांट दिए गए लेकिन उसको रिफिल कितने लोगों ने करवाया वापस से उसके बारे में कोई क्रॉस चेक नहीं किया गया। इनफैक्ट जो मिनिस्टर खुद है वो राज्यसभा में इसका जवाब नहीं दे पाए, उन्होंने जवाब दिया लेकिन उसके साथ में कोई भी प्रूफ उनके साथ में अटैच नहीं थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90% जो उज्ज्वल स्कीम के जो सिलेंडर थे वो उत्तराखंड के अंदर रिफिल ही नहीं हो पाए। समझ गए, इसके दो कारण है दोस्तों मेजर। ये देखिए सेंटर ने गवर्नमेंट ने तो बोला 80% ने रिफिल करवाया लेकिन जब पता किया गया ऑयल आरटीआई लगाई गई आईटीआई तो कोई भी डाटा जो है वो सरकार के पास में नहीं था क्योंकि सरकार खुद जो है ना वो रिफिल करने वाले जो डाटा है वो मेंटेन ही नहीं कर रही थी, वो ऑयल कंपनी मेंटेन कर रही थी। अब ऑयल कंपनी इसको कितने अच्छे तरीके से मेंटेन करेगी तो आप सभी को मालूम ही है। ओके, और तब आरटीआई लगाई गई तो एग्जैक्ट डेटा दोस्तों ना तो ऑयल कंपनी के पास में मिला ना सरकार के पास में मिला।
ओके गाइस, धर्मेंद्र प्रधान से जब स्पेशली पूछा गया उड़ीसा के अंदर, तो उन्होंने मान लिया कि भाई 26% लोगों ने उड़ीसा में रिफिल किया है। और इसी प्रकार से अगर आप हर राज्य का निकालोगे तो सही यही देखने को मिलेगा। ओके, इनफैक्ट जो है सेक्रेटरी जो थे उन्होंने भी मान लिया था ओके कि इसके साथ में प्रॉब्लम है। अब देखिए दो मेजर कारण रहे दोस्तों इसके। पहला कारण तो ये रहा कि लोगों ने रिफिल क्यों नहीं करवाया। एक तो प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पिछले कई सालों में 7 सालों के अंदर अगर आप देखोगे तो प्राइसेस जो है वो डबल है जो कि हो चुके हैं। तो एक सबसे बड़ा कारण रहा प्राइस वाला। अगर सस्ते गैस मिलती या उसमें भी अगर उनको ज्यादा सब्सिडी मिलती तो लोग डेफिनेटली जो है रिफिल करवाते। दूसरा ये कि अगर आपने स्कीम लॉन्च करी है तो उसको क्या करने की जरूरत है, उसको वापस से प्रमोट करने की जरूरत है रिफिल करने को लेकर, और उसका डेटा मेंटेन करने की भी जरूरत है। जिन जिन लोगों ने सिलेंडर लिया है उनसे फोन के थ्रू मैसेज के थ्रू उनको रिफिल करवाने की अपील या उनका डाटा मेंटेन करवा के उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं कि 2.0 के अंदर इसके अंदर थोड़ा इंप्रोवाइज जो कि किया जाएगा। ओके, आप देखिए क्लीन एनर्जी फ्यूल अगर पिछले 5 सालों में देखा जाएगा तो जिस तरीके से 2010 से 2015 में बढ़ोतरी हुई है ना, उसी तरीके से सेम स्पीड से जो है वो बढ़ोतरी हुई है। ये 2019 का डाटा है, ये वाला 2015 का है। ओके, तो कोई खास चेंजेस है जो कि क्लीन एनर्जी जो यूज कर रहे ना उनमें देखने को नहीं मिला। तो एलपीजी प्राइसेस जो है वो डबल हो गई, इसकी वजह से सब्सिडीज भी दोस्तों जारी है। हमारे देश में नियर बाय 26 करोड़ दोस्तों एलपीजी के कनेक्शंस देखने को मिलेंगे, जिसमें से 1.5 करोड़ के आसपास लोग हैं जो कि सब्सिडी नहीं लेते हैं। जो परिवार 10 लाख से ज्यादा की इनकम है उनको सब्सिडी नहीं मिलती है। ऐसा होता है नॉर्मली कि मान लीजिए 800 रुपए का आपको गैस सिलेंडर मिला, उसमें से कुछ पैसा आपके अकाउंट में वापस आता है सब्सिडी के तौर पर, समझ गए। जिन लोग सब्सिडी नहीं लेते ना उनको पूरा पैसा 750-800 रुपए ही है जो कि देना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए ज्यादा इनकम वाले लोग हैं, या फिर जिन्होंने गिव इट अप कैंपेन के तहत सब्सिडी लेने से मना कर दिया, या जिन्होंने 12 सिलेंडर एक साल में 12 सिलेंडर की लिमिट है उससे ज्यादा अगर कोई लेता है तो भी उसको सब्सिडी नहीं मिलती है। जो गैस प्राइसेस इसके बढ़ने के दोस्तों दो मेजर कारण होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। दो मेजर कारण क्या है, एक तो है आपका इंटरनेशनल प्राइसेस गैस का, और दूसरा दोस्तों जो है इसका वो है आपके डॉलर और रुपए के अंदर जो डिफरेंस आता है ना, जो इंटरनेशनल प्राइस है वो। ये दो वजह से दोस्तों अब प्राइसेस जो है वो फ्यूल की बढ़ जाती है, मतलब गैस की बढ़ जाती है, ठीक है। और सरकार के पास में एक ही तरीका है इस प्राइस को कम रखने का कि वो जब प्राइसेस बढ़े तो सब्सिडी भी बढ़ा दे, प्राइसेस कम हो तो सब्सिडी कम कर दे। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है, या फिर रुपए और डॉलर की को आप थोड़ा सा मैनेज करके चलिए इंटरनेशनल मार्केट में। समझ गए मेरी बात, उम्मीद करता हूं कि पूरा मुद्दा आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट की बात करेंगे वो बात करेंगे तालिबान और अफगानिस्तान को लेकर। हमारे भी दोस्तों कई सारे, इंडिया ने भी टेम्परेरीली दोस्तों रिलोकेट कर दिया हमारे कई सारे पर्सनल, कहां से, मजर ए शरीफ से, अफगानिस्तान के अंदर एक कंसुलेट ऑफिस है। देखिए एम्बेसी होती है जो कि आपकी कैपिटल में होती है, छोटे छोटे जो ऑफिसेज अलग अलग सिटी में जो बनाए हुए होते हैं उनको अपन लोग कंसुलेट कहते हैं, कंसुलेट ऑफिसेज गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं। तो यहां पे एक जगह है दोस्तों मजर ए शरीफ नाम से अफगानिस्तान में, तो वहां पे भी तालिबान ने कंट्रोल कर लिया, तो हमने हमारे जो पर्सनल लोग थे उनको वहां से निकाल दिया है। ओके गाइस, तो गवर्नमेंट ने अर्जेंट कॉल है जो कि यहां पे दी थी इंडियन नेशनल्स को अफगानिस्तान के सिटी के अंदर स्पेशल फ्लाइट के द्वारा निकाल लिया है। यहां तक कि इनफैक्ट जो काबुल के अंदर जो एम्बेसी है ना वहां पे भी जितने भारतीय सिटीजन है उनको भी इमीडिएटली दोस्तों ट्रैवल अरेंजमेंट करके कमर्शियल फ्लाइट से दूसरी जगह के ऊपर लेके आया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि आने वाले दिनों के अंदर काबुल भी जो है वो तालिबान के कब्जे के अंदर है जो कि आ जाएगा। तो शुरुआत में तो हम लोग बात कोशिश कर रहे थे कि हम लोग इनसे बात करें किसी प्रकार से, है ना, बैकडोर एंट्री लगाए किसी ना किसी तरीके से, लेकिन अब जो है हालात इस तरीके से हो गए कि बात करने पे भी काम नहीं चलेगा। और ठीक है, हमारे जितने भी इंडियन एम्बेसी के लोग थे उनको वहां से निकाला जा रहा है। यहाँ पे एक नंबर भी दिए गए हैं गाइज, जिसपे नंबर पे कॉल करके भी कोई इमीडिएटली वहां से निकल सकता है। तो टेम्परेली दोस्तों हमने शट डाउन कर दिया, हमने नहीं मतलब दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने दोस्तों वहां से एम्बेसी अपनी उठा ली है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों हाईकोर्ट को लेकर। हाईकोर्ट ने एक और बात है जो कि यहाँ पे बोली, आपको मालूम होगा कि देख कई बार क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी से कई सारे क्रिमिनल लोग जब मिनिस्टर बनते हैं तो उनके खिलाफ दोस्तों राज्य जो है वो क्रिमिनल केसेस को हटा देता है, समझ गए, वो सारे के सारे क्रिमिनल केसेस हटा दिए जाते हैं। उसी प्रकार से दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि हाईकोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी क्रिमिनल केसेस किसी के खिलाफ नहीं हटाया जाएगा, समझ गए। तो सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों ये ऑर्डर है जो कि दिए है कि जो भी क्रिमिनल केसेस एमपी या एमएलए के खिलाफ है ओके वो स्टेट हाईकोर्ट के कंसर्न के बिना नहीं हटाए जाएंगे। तो ये ऑर्डर है दोस्तों जो कि रिसेंटली पास किया गया है। यहां पे सेक्शन 321 सीआरपीसी के बारे में बात करी गई है। ओके गाइज, ठीक है, तो यहां पे सीआरपीसी का जो सेक्शन 321 है उसके तहत ये बोला गया है
कि ये जो पावर है वो एग्जीक्यूट नहीं की जाएगी हाईकोर्ट की परमिशन के बिना, ठीक है, ये बात है जो कि यहाँ पे बोली गई है। इसके अलावा तो खैर यहाँ पे कुछ भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं, पेज नंबर 12 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों विनेश फोगाट को लेकर। बहुत ही जबरदस्त दोस्तों रेसलर है, आप सभी को मालूम है, लेकिन रिसेंटली ओलंपिक के अंदर जो है कुछ चीजें जो है वो देखने को मिली, जो बॉडीज है जो हमारे फेडरेशन है और उनके और प्लेयर के बीच में कई जगह पे जो है कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिला। जैसे कि विनेश फोगाट का केस हुआ जहां पे इन्होंने साथ में टीम के प्रैक्टिस करने के लिए मना कर दिया, साथ में इन्होंने ये भी बोला था कि भाई जो जर्सी है इन्होंने खुद की नाइकी की पहनी, शिव नरेश की नहीं पहनी। ओके, तो मिसकंडक्ट के तौर पे दोस्तों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने टेम्परेली सस्पेंड है जो कि विनेश फोगाट को कर दिया है इनडिसिप्लिन करने को लेकर टोक्यो ओलंपिक कैंपेन के अंदर। ओके, और सोनम मलिक को भी दोस्तों यहाँ पे नोटिस है जो कि इश्यू जारी किया गया मिसकंडक्ट को लेकर। ठीक है गाइस, क्वार्टर फाइनल के अंदर है जो कि हार गई थी और यहाँ पे इश्यू यही हुआ था कि जो गेम्स विलेज है एक तो वहां पे रहने से इन्होंने मना कर दिया था और इंडियन टीम मेंबर्स के साथ में ट्रेनिंग करने के लिए मना कर दिया था, ये दो बातों के साथ में। जो जर्सी है इंडिया की जो ऑफिशियल जर्सी थी शिव नरेश की वो भी इन्होंने नहीं पहनी और नाइकी की जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे पहने थी, तो इसकी वजह से इनको सस्पेंड है जो कि कर दिया। तो कई प्लेयर और फेडरेशन के बीच में प्रॉब्लम देखने को मिली, जैसे कि मनिका बत्रा है ना उनके ऊपर भी फेडरेशन की प्रॉब्लम चल रही है, उन्होंने नेशनल कोच के उनका जो पर्सनल कोच था ना उनको दोस्तों वहां पे गेम के अंदर आने नहीं दिया था, जिसको लेकर मनिका बत्रा भी काफी खफा हो गई थी क्योंकि नेशनल कोच के साथ में उनकी इतनी अच्छी बन नहीं रही थी और जो उनका पर्सनल कोच था उसको वहां पे अलाउ करने के लिए वो चाह रही थी लेकिन उसको अलाउ नहीं किया गया, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिली। तो ये बहुत जरूरी है यार कि जितने भी फेडरेशन है उनको स्पोर्ट्समैन की जरूरत को पूरा करना चाहिए और उनके अकॉर्डिंगली चीजों को करना चाहिए, मतलब कुल मिलाकर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या मेडल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, दिल्ली के अंदर हेडक्वार्टर है ब्रिजभूषण जो कि अभी प्रेसिडेंट है इसके, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों पेज नंबर 13, यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करेंगे 7 अगस्त की। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों बीसीसीआई जो है वो एनसीए जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी है बेंगलुरु के अंदर उसमें राहुल द्रविड़ का टेन्योर जो है वो 2 साल का खत्म हो रहा है, तो उन्होंने दोस्तों एप्लीकेशन जो है वो मांगी है ना कि कोई भी अप्लाई कर सकता है जिनको इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपीरियंस हो, और राहुल द्रविड़ हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन जाए क्योंकि रवि शास्त्री का जो टेन्योर है वो भी एंड हो रहा है और रवि शास्त्री की लीडरशिप के अंदर 2-3 बड़े टूर्नामेंट भी इंडिया हार गई है तो वहां पे भी रिप्लेसमेंट की बात चल रही है, तो हो सकता है कि राहुल द्रविड़ आपको आने वाले कुछ महीनों के अंदर T20 वर्ल्ड कप के बाद में जो है इंडियन नेशनल टीम के कोच है जो कि बनते हुए नजर आए। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है कि क्रिकेट को भी दोस्तों जो आईसीसी कोशिश कर रहा है कि ओलंपिक गेम्स के अंदर दोस्तों इंक्लूड करने को लेकर। ठीक है, अगर ओलंपिक गेम्स में क्रिकेट इंक्लूड हो गया तो हॉकी के साथ में उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो है क्रिकेट के अंदर भी एक मेडल है जो कि जरूर लेके आएंगे। ओके, और बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा यार, बहुत ही जरूरी है कि हमारे लिए तो क्रिकेट जो है वो होना जरूरी है ओलंपिक के अंदर। इसके अलावा दोस्तों मैसी जो है वो जो है PSG की टीम के साथ में जो है वो डील करने वाले हैं। ओके, बार्सिलोना ने छोड़ दिया, आप सभी को मालूम है। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ये है कि दोस्तों हमारे यहाँ पे जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना वो 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे है जो कि दोस्तों मनाने की बात कर रहा है, उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए बोला है। आपको मालूम है 7 अगस्त को दोस्तों हमने हमारे एथलेटिक्स में पहला गोल्ड मेडल जीता, इसीलिए दोस्तों 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन डे है जो कि एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया मनाने वाला है। नीरज चोपड़ा ने आपको मालूम ही 87 मीटर प्लस जो है वो जेवलिन थ्रो करके गोल्ड मेडल है जो कि यहाँ पे जीता था। ठीक है गाइस, चलिए, ठीक है, और यहाँ पे इनके जो कोच है जो चाइल्डहुड फ्रेंड है उनका भी ये कहना कि नीरज जो भी काम करता है अपने जो है मन लगा के काम करता है, तो ये जरूरी है यार, जो भी आप काम करो मन लगा के काम करो, है ना, दिल दिमाग सब कुछ अगर आपका एक जगह पे होगा ना तो आपके काम की प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही अच्छी होगी। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैवलिन थ्रो के अंदर वैसे जो रिकॉर्ड है ना दोस्तों पुरुषों के अंदर वो 98 मीटर का है, हमारे नीरज चोपड़ा ने 87 भेजा है और ये 90 प्लस जो है वो कर सकते हैं वैसे, है ना, लेकिन ये जो 1996 के अंदर दोस्तों रिकॉर्ड है जो कि पुरुषों में बना था 98 मीटर का, महिलाओं के अंदर 72 मीटर का रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक के अंदर देखिए 90 मीटर का ये ओलंपिक के अंदर 2008 के अंदर बना था महिलाओं में 71, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 92 मीटर का है महिलाओं का 71 का। ठीक है, तो ओलंपिक में मैक्सिमम 90 मीटर फेंका गया है और नीरज चोपड़ा ने इस बार अपने 87 भेजा है, तो आने वाले और 2-3 साल के अंदर ये इजिली जो है 90 प्लस है जो कि कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर पोटेंशियल है। आगे बात करते हैं क्रिकेट को लेकर दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है अभी क्रिकेट जो है वो ओलंपिक्स में आपने दोस्तों ना तो कभी सुना होगा ना कभी देखा होगा क्योंकि दोस्तों ओलंपिक में जो क्रिकेट है वो एक ही बार है जो कि इंक्लूड हुआ है,
मतलब 1900 के अंदर ऐसा हुआ था कि एक बार क्रिकेट जो है वो ओलंपिक के अंदर था, जिसमें चार टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। चार टीमें थी, एक तो फ्रांस जिसकी मजबूरी थी पार्टिसिपेट करना क्योंकि वो होस्ट था, प्लस नीदरलैंड, प्लस इंग्लैंड, यूके, ब्रिटेन, मतलब साथ में एक टीम और थी जो कि थी आपके फ्रांस हो गया, नीदरलैंड हो गया, यूके हो गया, एक बेल्जियम थी। ये चार टीमें थी जो कि क्रिकेट के अंदर जिन्होंने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था 1900 के अंदर। दूसरा ओलंपिक था ये जो कि, और जो कि पेरिस में करवाया गया था। वैसे 1896 में तो पहला ओलंपिक हुआ और उसके बाद दूसरा ओलंपिक 1900 में हुआ, पेरिस में हुआ था। तो क्रिकेट उसके अंदर इंक्लूडेड था, चार टीमों ने दोस्तों खेला भी था। चार टीमों में क्या हुआ कि नीदरलैंड ने और बेल्जियम ने तो विड्रॉ कर लिया शुरुआत में, बोला हमारे पास 11 प्लेयर है नहीं। उसके बाद में फ्रांस के पास में भी प्लेयर नहीं थे, तो फ्रांस ने क्या किया, कई सारे यूके के लोग थे जो कि फ्रांस में क्रिकेट खेलते थे आके, तो उन्हीं लोगों को दोस्तों क्रिकेट टीम में डाल दिया। टेस्ट मैच हुआ था जिसके अंदर यूके ने दोस्तों यहां पे गोल्ड मेडल है जो कि हासिल किया था, यूके यहां पे जीत गया था, समझ गए। 150 रन से दोस्तों फ्रांस को जो है इन्होंने हरा दिया था। तो ये पहली बार और लास्ट बार था जब ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड किया गया। प्रॉब्लम इतनी हो गई, 11 प्लेयर 15 प्लेयर इकट्ठे करो, उसके बाद में 3-4 दिन का मैच करो, उसके बाद में रूल्स रेगुलेशन, तो ओलंपिक वाले परेशान हो गए, क्रिकेट वाले भी परेशान हो गए, तो उन्होंने बोला यार ये बंद करो यार, ये चलेगा नहीं है। उसके बाद में दोस्तों क्रिकेट कभी भी इंक्लूड नहीं किया गया। तो इस बार एक कमिटी बनाई गई है और लॉस एंजलिस के अंदर 2028 के अंदर ओलंपिक होने वाले हैं। आपको मालूम अगले वाले तो पेरिस में होगा और उसके बाद में अगला कहां पे होगा आपके, लॉस एंजलिस में होगा, उसके बाद ब्रिस्बेन के अंदर होगा, समझ गए। तो एलए के अंदर दोस्तों 2028 के अंदर ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को इंक्लूड करने के लिए कमिटी बनाई गई है, जिसके अंदर आपके इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड के जो पर्सन एक और चेयरमैन करके, इसके अलावा जिम्बाब्वे के हैं और भी कई सारे क्रिकेट के, यूएसए क्रिकेट चेयरपर्सन है, कई सारे लोग हैं, 5 मेंबर का ग्रुप है, वो क्या करेगा दोस्तों क्रिकेट में इंक्लूड करवाने को लेकर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है गाइस। ये वाली बात है बीसीसीआई से दोस्तों इसके अंदर कोई भी इंक्लूड नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने भी यहाँ पे हामी है जो कि भरी है, क्योंकि मालूम है कि एक ना एक मेडल तो हमारे यहाँ पे आना है, तो हमारे लिए तो बहुत ही बढ़िया बात है, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखिएगा और ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए ये पोस्टर है दोस्तों जो कि उस टाइम पे मैच का लगाया गया था, फ्रांस वर्सेस यहाँ पे यूके, नाम यूके था, ये क्लब का नाम था जो कि यूके का था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेस को लेकर। यहाँ पे अगर हम लोग फ्रंट पेज पे बात करें तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में 5 लोगों को पकड़ा गया, मतलब यार लोग जो है वो स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, लोग जो है चांद पे जाने की बात कर रहे हैं, मार्स पे जाने की बात कर रहे हैं। मीनवाइल इंडिया, दिल्ली के अंदर दोस्तों कई लोग जो है वो हेट स्पीच देते हुए पकड़े गए, एंटी मुस्लिम स्लोगन है जो कि रोड के ऊपर लगा रहे थे, जिसके अंदर एक एक्स बीजेपी का स्पोर्ट्स पर्सन है वो भी पकड़ा गया भाई साहब यहाँ पे। मतलब क्या हो रहा है, मतलब दुनिया कहां से कहां जा रही है, ओलंपिक में इतने सारे मेडल आ रहे हैं और यहाँ पे हमारी राजधानी के अंदर एंटी मुस्लिम स्लोगन है जो कि कुछ लोगों ने यहाँ पे लगाया रैली के अंदर। मतलब क्या, मतलब क्या चल रहा है, मतलब हम लोग कहां पर क्या काम कर रहे हैं यार। चलिए आगे बात करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छा आर्टिकल आया इंडियन एक्सप्रेस में, जहां पे भारत के इनलैंड वाटरवेज के बारे में बात करी गई है। देखिए आप सभी को मालूम है कि हमारे यहाँ पे जैसे नेशनल हाईवे होते हैं वैसे वाटरवेज भी है, नेशनल वाटरवे बोलते हैं उनको हम लोग, NW बोलते हैं, ओके। आपने दोस्तों हुआ क्या था कि रिसेंटली जो है आपको मालूम है इनलैंड वाटर अथॉरिटी बिल है जो कि आया है, जिसमें जो पावर है ना वो स्टेट से सेंटर के पास में चली गई है कि भाई जो भी वेसल होती है, जो भी शिप होती है, वो सारी पावर सेंटर के पास में रहेगी, वहां से आपको अथॉरिटी मिलेगी और आप किसी भी राज्य के अंदर अपनी शिप को ले जा सकते हैं और सामान को बेच सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये वाली बात हो गई, तो 2016 के अंदर 111 वाटरवे है जो कि आइडेंटिफाई करे गए थे, जहां पे हम लोग चाह रहे थे कि भाई समुद्र के द्वारा जो अपने जो सी है ना उसके द्वारा हम लोग सामान को ट्रांसपोर्ट करें। दुनिया के जितने भी बड़े देश है ना, वहां पे हर कैपिटल के अंदर आपको एक नदी मिलेगी जहां पे आपको ट्रांसपोर्टेशन करता हुआ मिलेगा सामान, ओके। इनलैंड वाटरवे दोस्तों बहुत जबरदस्त सोर्स होता है ट्रांसपोर्टेशन के कॉस्ट को कम करने का, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होती है तो फिर आपकी जो किसी भी चीज की कमोडिटी की जो प्राइस है वो भी कम हो जाती है। पेट्रोल के प्राइस बढ़ेंगे तो आपके ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगी, ओके। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि वाटरवे के द्वारा काम होते हैं। तो नेशनल वाटरवे वन कौन सा है, आप सभी को मालूम है गंगा के ऊपर है, ओके, हल्दिया से इलाहाबाद के बीच में। उसी प्रकार से दो जो है वो ब्रह्मपुत्र के ऊपर है, धुबरी से सदिया। वैसे तीन जो है दोस्तों वो आपके है केरला की तरफ, ये देखिए वेस्ट कोस्ट में, चौथा आपके कृष्णा पे, ओके, पांचवा आपके यहाँ पे गोदावरी वाले रीजन में है, ठीक है, इस तरह के, छठा आपके यहाँ पे भी है अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर, ओके। तो अभी यहाँ पे दोस्तों बोला गया है सरकार के द्वारा कि 13 नेशनल वाटरवे है जो कि अभी ऑपरेशनल है,
समझ गए मेरी बात। 13 वाटरवे को ऑपरेशनल जो कि बताया गया, ये सारे के सारे नाम है जो कि यहाँ पे दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा आपके यूपीएससी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सुंदरबन वाला जो वाटरवे है उसका नाम है NW97, समझिए मेरी बात। ये देखिए सबसे बड़ा हमारा 1600 किलोमीटर का है, गंगा के ऊपर भागीरथी उगली पे अल्द्या से इलाहाबाद, ब्रह्मपुत्र का, फिर वेस्ट कोस्ट कैनाल, फिर कृष्णा के ऊपर, फिर यहाँ पे NW10 बोला गया है अंबा रिवर, फिर 83 है राजपुरी क्रिक के ऊपर, 85, 91, 68, 111, 73, 100 और 97। ओके, जो पांच था चट्टा था वो यहाँ पे अभी ऑपरेशनल नहीं है, इसलिए यहाँ पे बोला गया कि वो नहीं है। तापी के ऊपर दोस्तों NW100 है जो कि देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, गवर्नमेंट के सोर्सेस के ने बताया कि अगर 1 लीटर फ्यूल से अगर आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है, 1 लीटर अगर आप फ्यूल यूज करोगे तो 24 टन सामान 1 किलोमीटर 1 लीटर फ्यूल में आप रोड के माध्यम से लेके जाओगे। अगर आपको रेल के माध्यम से लेके जाना है तो 1 लीटर फ्यूल में 1 किलोमीटर आप 95 टन सामान है जो कि लेके जा सकते हो। लेकिन अगर आप वाटरवे के थ्रू, शिप के थ्रू लेके जाओगे ना, तो 215 टन सामान है जो कि एक पर किलोमीटर पर लीटर के अंदर आप लेके जा सकते हो। यानी कि आप सोचिए, रोड से अगर मैं कंपेयर करूं तो 10 गुना ज्यादा सामान है जो कि मैं वाटरवे के थ्रू सेम पेट्रोल की कॉस्ट के ऊपर लेके जा सकता हूं। इसीलिए दोस्तों जो आपकी कॉस्टिंग आती है रेलवे के द्वारा, वो एक पर किलोमीटर 1 टन कार्गो ले जाने के लिए 1.36 रुपए आती है, वैसे ही हाईवे के द्वारा 2.5 रुपए और इनलैंड वाटरवे के द्वारा 1.06, यानी कि 1.06 रुपए के अंदर आप 1 टन जो है पर किलोमीटर सामान को लेके जा सकते हो, समझ गए। तो इसलिए दोस्तों वाटरवे बनाने की यहां पे काफी बात चल रही है। आगे बात करते हैं जो है कॉइन DCX, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज दोस्तों, देश का पहला जो है कॉइन DCX, उसने $90 मिलियन का भी फंडिंग है जो कि रेज करी है, जो फेसबुक के को फाउंडर है ओके सेवरिन उनसे, और पोस्ट मनी वैल्यूएशन जो है इनकी $1.1 बिलियन है जो कि हो चुकी है। देश की पहली दोस्तों लोकल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज यूनिकॉर्न कंपनी है जो कि बन चुकी है। यूनिकॉर्न का मतलब होता है जो कि $1 बिलियन को क्रॉस कर दे, 7,000 करोड़ को जो क्रॉस कर दे। तो ये पहला दोस्तों क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ओके, कॉइन DCX इसका नाम है, जिसने अभी रिसेंटली इस बेंचमार्क को क्रॉस किया है। आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों बटन को लेकर, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि पेट्रोल के प्राइसेस तो आसमान छू रहे हैं, वो तो सभी को मालूम है, इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है। 75 रुपए दोस्तों पेट्रोल को पहुंचने में 75 साल लग गए, लेकिन पिछले 5 सालों के अंदर जो है 75 से 108 रुपए के अंदर पहुंच गया पेट्रोल, मात्र 5 सालों के अंदर, ठीक है। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आप सभी को मालूम ही होगा कि मचका के बढ़िया तरीके से जो है वो टैक्सेस ले रही है, 32 रुपए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का भी यहाँ पे है ओके, डीजल के ऊपर 31 रुपए जो कि टोटल में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि टैक्सेस लगा रही है। लेकिन राज्य सरकार की बात करें तो कई सारे राज्य भी दोस्तों इस काम के अंदर पीछे नहीं है, कुछ एक ऐसे राज्य है, 5 राज्य जिन्होंने खुद ने भी दोस्तों काफी बढ़िया स्टेट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि टैक्स का लगा रखा है, ठीक है। अगर आप देखोगे MP के अंदर तो 30 रुपए दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट ने भी टैक्स है जो कि लगा रखा है, राजस्थान में 29 रुपए है, आंध्रा में 27, तेलंगाना में 25, कर्नाटका में 25 ओके। तो ये कई सारे राज्यों ने भी दोस्तों यहाँ पे पेट्रोल पे बढ़िया टैक्स वसूली है जो कि कर रहे हैं। हालांकि किसी भी राज्य के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा टैक्स नहीं लिया जा रहा है, ये कई बार व्हाट्सएप पे आप पे फेक बात आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 16 रुपए ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट 35 रुपए ले रही है, वो फेक है ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट के मैक्सिमम शेयर है आज के टाइम पे, पहले भी था और आज भी है ओके गाइस। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्राइसेस बढ़ाई गई है वो भी काफी है जो कि राज्यों के द्वारा बढ़ाई गई है, ठीक है। तो ये फिलहाल जो है 5 राज्य ऐसे हैं जो कि मैक्सिमम दोस्तों आपसे स्टेट टैक्स से जो कि ले रहे हैं पेट्रोल के डीजल के नाम पे। डीजल की बात करें तो राजस्थान देखिए 21, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट 31 है, आंध्र में 21 है, MP में 21 है, उड़ीसा में 20 है, महाराष्ट्र में 20 है ओके, और सेंट्रल के 31 रुपए जो कि डीजल के ऊपर है। चलिए आगे बात करते हैं जो कि रिलायंस ने दोस्तों बिल गेट्स को ज्वाइन किया और इन्वेस्ट किया $141 मिलियन किसमें, अमरी के अंदर ओके। ऑयल टू टेलीकॉम, आपको मालूम है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने दोस्तों काफी इन्वेस्टमेंट करती है, तो यूएस की एक एनर्जी स्टोरेज कंपनी है दोस्तों जिसका नाम है अमरी, इसके अंदर दोस्तों एक लार्ज इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल गेट्स के साथ में यहाँ पे किया गया है, ठीक है गाइस, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं जो कि है गुजरात के अंदर कोवैक्सीन का प्रोडक्शन का प्लांट है दोस्तों जो कि स्टार्ट हो रहा है। मनसुख जी ने दोस्तों बोला है कि भारत बायोटेक जो अखिलेश्वर बेस्ड एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कोवैक्सीन है दोस्तों जो कि यहाँ पे प्रोड्यूस करेगा, ठीक है गाइस। आपको मालूम है अभी तो क्या हैदराबाद में हो रहा है प्रोडक्शन, लेकिन अभी भारत बायोटेक का, लेकिन अभी गुजरात के अंदर भी इस प्रोडक्शन को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं जनसत्ता की दोस्तों, ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा धीरज खो रहा है देश, किसको लेकर,
वही क्रिमिनल केसेस को लेकर। इसके अलावा देखिए, आरक्षण की सीमा 50% सीमा बढ़ाई जाए, ये विपक्ष का कहना है, विपक्ष भी जबरदस्त काम कर रहा है इसमें। यहां पे दोस्तों हमारे लिए बात होगी इसके बारे में, ठीक है गाइस। चलिए यहां पे बात करेंगे जो कि एटीएम मशीन, जिन्होंने दोस्तों दुनिया में पहली बार एटीएम मशीन का आविष्कार किया था, ऑटोमेटिक टेलर मशीन का, उनका जन्म दोस्तों हमारे देश के मेघालय राज्य के अंदर है, जो कि हुआ था। मेघालय के अंदर एक सरकारी अस्पताल है, ओके, वहां पे दोस्तों एंड्रिय शेफर्ड बैरन का जन्म हुआ था, जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था। ओके, ये देखिए, ये हॉस्पिटल है जिसके बारे में हम लोग बात करें। इस हॉस्पिटल के अंदर, इस हॉस्पिटल को 100 साल है जो कि होने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, और यहाँ पे दोस्तों एटीएम मशीनें जो कि लगाई गई है, ओके, पहली बार, क्योंकि 100 साल होने के उपलक्ष्य के अंदर यहाँ पे जो एटीएम मशीन के जो आविष्कारक है उनका, उनको ऑनर करने के लिए यहाँ पे लगाया जा रहा है। तो कुल मिला के आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मेघालय में जिस अस्पताल में 1925 में ऑटोमेटिक टेलर मशीन के आविष्कारक शेफर्ड बैरन का जन्म हुआ था, वहां पर पहली बार मशीन है जो कि लगाई जा रही है। तो शेफर्ड बैरन करके वो पर्सन है जिन्होंने एटीएम का आविष्कार किया था, जिनका जन्म जो है वो मेघालय के अंदर हुआ था, समझ गए। एसबीआई के द्वारा दोस्तों ये एटीएम है जो कि लगाया जाएगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है जो कि गूगल डूडल ने दोस्तों सरला जी को जो है ठाकुराल जी को दोस्तों क्या किया है, यहाँ पे ऑनर किया है। रिसेंटली दोस्तों आपको मालूम होगा कि देश में, वैसे तो खैर आपको मालूम है, टाटा साहब थे, ओके, जिन्होंने पहली बार लाइसेंस लिया था कमर्शियल पायलट का, प्लेन उड़ाया था कमर्शियली, लेकिन महिलाओं के अंदर दोस्तों किसी को नहीं पता सरला जी के बारे में। सरला, ओके, ठकराल जी देश की पहली वुमेन थी जो कि पायलट बनी थी। गूगल ने उनको दोस्तों ऑनर किया क्योंकि उनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी थी दोस्तों 8 अगस्त को, समझ गए मेरी बात, ओके। और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट के तौर पर देखा जाता है, पायलट थी, डिजाइनर थी, एंटरप्रेन्योर थी, ओके, पहली महिला थी जिन्होंने दोस्तों एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, ओके गाइस। और जावेरी जी के द्वारा दोस्तों ये डूडल है जो कि जो है गूगल के ऊपर बनाया गया, ये देख सकते हो आप, ये फोटो है जमाने की और ये इनकी पुरानी फोटो है, ठीक है। इनका जन्म दिल्ली के अंदर हुआ था दोस्तों 1914 के अंदर, उसके बाद में लाहौर चली गई थी, वहां पे इन्होंने, इनके हस्बैंड जो थे वो भी पायलट थे, और लाहौर के ही फ्लाइंग स्कूल के अंदर उन्होंने पढ़ाई करी थी, ओके। 21 साल की उम्र के अंदर साड़ी के अंदर इन्होंने कॉकपिट के अंदर डबल विंग्ड प्लेन जो है वो पहली बार सोलो फ्लाइट है जो कि उड़ाई थी, और लिखा था न्यूज़पेपर के अंदर सारे में कि अब जो है स्काई सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, महिलाएं भी है उसके अंदर, ठीक है गाइस। चलिए, और 1000 जो फ्लाइट आवर्स है वो भी इन्होंने कंप्लीट करके, लाइसेंस जो होता है ना ए ग्रेड का लाइसेंस है जो कि इन्होंने अचीव किया था, ये देखिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि है दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर को लेकर जो कि बिहार के अंदर इनॉग्रेट है जो कि किया गया है। रिसेंटली जो हमारे प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है विजय राघवन जी, उन्होंने दोस्तों वर्चुअली इनॉग्रेट किया डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर, कहां पे, बक्सर के अंदर, बिहार के अंदर। एक्चुअली के अंदर ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है ना इंसिनरेटर लगाया गया ना, ये क्या करेगा, ये आपका जो कचरा है ना उसको क्या करेगा, रिसाइकिल करने का काम करेगा, समझ गए। वेस्ट टू वेल्थ मिशन के तौर पे दोस्तों इसको बनाया गया है, उसको सेलेक्ट किया गया है, ठीक है गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 केजी बायो मेडिकल वेस्ट जो है ना कॉटन प्लास्टिक का मटेरियल का हर घंटे के अंदर ये क्या करेगा, उसको रिसाइकिल करने का काम करेगा, ठीक है गाइस। चलिए आगे बात करते हैं जो कि है दोस्तों इंडिया पुश फॉर शुगर फ्यूल्ड कार्स। तो देखिए शुगर के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेनॉल का प्रोडक्शन कर रहे हैं, इथेनॉल को दोस्तों फ्यूल के अंदर मिला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारे क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है उसको कम किया जा सके और क्लीन एनर्जी को प्रमोट किया जा सके, ठीक है गाइस। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, शुगर से दोस्तों इथेनॉल को बना के कार के अंदर डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो हमारे, ठीक है, कॉस्ट की जो फ्यूल की जो कॉस्टिंग है वो भी कम हो सके। तो गवर्नमेंट ने दोस्तों आपको मालूम है 2025 तक का टारगेट रखा है कि हम लोग क्या चाहते हैं कि 20% आपके फ्यूल के अंदर इथेनॉल है जो कि हम लोग चाहते हैं, और जो भी हम लोग दोस्तों एक्सपोर्ट किया करते थे अभी हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, फ्यूल के अंदर है जो कि काम में ले रहे हैं, ठीक है गाइस। इंटरनेशनल मार्केट में जो हम लोग काफी एक्सपोर्ट है जो कि शुगर को करते हैं, दुनिया के सेकेंड बिगेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर के हम लोग ब्राजील के बाद में, तो ब्राजील ने भी ये किया था, उसी के पथ के ऊपर हम लोग भी दोस्तों चल रहे हैं, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, ऑयल के इंपोर्ट के बिल को कम करने के लिए, ठीक है गाइस। डोमेस्टिकली हम लोग शुगर के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये देखिए, ओके, हमारे डिमांड जो है ना इथेनॉल के बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन भी दोस्तों आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो 2025 तक 20% इथेनॉल को गैसोलीन के तौर पे दोस्तों इंक्लूड करने के लिए टारगेट है जो कि रखा गया है, ओके, 10 बिलियन लीटर प्रोडक्शन करने के लिए बोला है जो कि 3 गुना है जो कि फिलहाल किया जा रहा है, $7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है जो कि इसके अंदर करना पड़ेगा सरकार को, ठीक है। ब्राजील ने भी दोस्तों ऐसा ही किया था, ओके, चलिए ये देखिए 23% दोस्तों ब्राजील तो
फ्यूल के अंदर जो है बायोफ्यूल है जो कि काम में लेता है, इथेनॉल काम में लेता है। आगे बात करते हैं जो कि लक्षद्वीप के अंदर, मालदीव के अंदर दोस्तों आपने ऐसे कई सारे जो है ना आपने रिसोर्ट होटल देखे होंगे जहां पे इस तरीके से रूम्स बनाए जाते हैं पानी के अंदर और बहुत ही जबरदस्त दोस्तों टूरिज्म को बूस्ट मिलता है। ये सारे सेपरेट हाउसेस होते हैं और एक रूम का रेंट 50,000 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 50,000 से 1,00,000 रुपए तक है जो कि मालदीव में जाता है। तो इसी की तर्ज के ऊपर दोस्तों हम लोग लक्षद्वीप के अंदर भी बनाने को लेकर सरकार है जो कि काम कर रही है। तो पीपीपी मॉडल के ऊपर दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटिव है लक्षद्वीप के प्रफुल्ल कौंडा जी, उन्होंने वाटर विलास बनाने के लिए बोला है 800 करोड़ रुपए की कॉस्ट के अंदर। ठीक है गाइस, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी जो है यहाँ पे सोलर पावर के तौर पे इको फ्रेंडली विलास है जो कि बनाने के लिए बोला है मिनी कॉय के अंदर कदमत आइलैंड के ऊपर। ओके, तो एक्चुअली के अंदर ये 370 रूम है जो कि यहाँ पे बनाने के लिए बोला गया है तीन आइलैंड के ऊपर। एक्चुअली में अगर आप इसको प्राइवेटाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सरकार अपने पैसे लगाने के बजाय अगर बड़े बड़े होटल के साथ में या जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करते हैं उनके साथ में करें ना, तो डेफिनेटली मतलब मालदीव की तरफ पे हम हमारे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पीपीपी मॉडल के ऊपर किया जा रहा है, अच्छी बात है। मतलब आप एक बार फैसिलिटीज अवेलेबल करवाओ वहां पे, रूम तो यार प्राइवेट सेक्टर वाले अपने आप बना देंगे, उनको मालूम है ये सारे बहुत चलते हैं और उनकी रेंट भी बहुत जबरदस्त होता है। ये देखिए इस तरीके से अगर आप मालदीव जाओगे ना तो मालदीव में 1,000 आइलैंड के ऊपर 1,000 होटल आपको मिलेंगे, समझ गए मेरी बात। एक होटल एक आइलैंड के ऊपर बना हुआ होता है। वहां पे दो प्रकार के रूम होते हैं, एक तो यहाँ पे बीचेस पे रूम बने हुए होते हैं जो कि सस्ते होते हैं, जिनका रेंट होता है 10,000-20,000 रुपए टाइप पर डे, और ये जो वाटर विलास होते हैं ना इनका रेंट होता है 50,000 से 1,00,000 रुपए। ताज वाला जो मालदीव है वहां पे तो कोई मेरे ख्याल से 1.5-2 लाख रुपए पर डे का रेंट है। ओके, ये वाटर विलास होते हैं, आगे सिर्फ समुद्र के अलावा कुछ नजर नहीं आता यहाँ पे। ठीक है, तो इसी के तर्ज पे दोस्तों टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप के अंदर इसको बनाने को लेकर बात करी जा रही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारे कोविड को लेकर। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था कि हमारे सरकार के द्वारा बताया गया कि 3,00,000 मौतें हैं जो कि कोविड की वजह से हुई है। मैंने आपको बोला था कि नियर बाय 1 मिलियन लोगों की मृत्यु है जो कि कोविड की वजह से हुई है, आराम से कम 1 मिलियन नहीं, कम से कम 2 से 3 मिलियन तो मैंने आपको एस्टिमेशन दिया था। लेकिन अभी दोस्तों रिसेंटली स्टडी करी गई है जिसमें बताया गया है कि 13 मिलियन लोगों की दोस्तों डेथ है जो कि कोविड के अंदर है, जो कि अर्बन इंडिया में देखने को मिली है। ओके, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 3,00,000 डेथ है जो कि सरकार के द्वारा एस्टिमेशन किया गया, लेकिन रिसेंटली दोस्तों यू गवर्नमेंट मिंट और CPR इनके द्वारा एक सर्वे है जो कि किया गया, जिसके अंदर दोस्तों बात करी गई, बताया गया कि भारत में कितने लोगों की मृत्यु है जो कि हुई है। इंडियन एक्सप्रेस ने भी दोस्तों बहुत बढ़िया काम किया है इसके ऊपर, और इंडियन एक्सप्रेस ने भी मैंने आपको बताया था कि हर राज्य ने किसी ने 10 गुना कम मौत बताई है, किसी ने 15 गुना कम मौत बताई है। ओके, तो यू गवर्नमेंट मिंट और CPR ने सर्वे किया ऑनलाइन, जिसके अंदर बताया गया जून से जुलाई के बीच में 10,000 लोगों ने रेस्पॉन्ड किया 203 सिटी के अंदर। 17% लोगों ने दोस्तों ये माना कि उनके घर परिवार में या अड़ोसी पड़ोसी के अंदर कोविड की वजह से मृत्यु है जो कि हुई है। आज के टाइम पे आप देखिए हर परिवार के अंदर अड़ोस पड़ोस में कोविड की वजह से किसी न किसी की मृत्यु जरूर हुई है, समझ गए। तो कम से कम 13.25 करोड़ लोगों की दोस्तों मृत्यु है जो कि देश के अंदर हुई है, ये बात है जो कि इनके द्वारा बताई गई। ओके, अगर ये डाटा जो है इंटरनेशनल चला गया ना तो इतनी फजीहत होगी जिसकी कोई हम लोग संभाल भी नहीं पाएंगे मतलब, और हमको भी पता है तो सरकार ने तो बहुत ही कम नंबर है जो कि बताया, मतलब 1.25 करोड़ मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा डिजास्टर मेरे ख्याल से पिछले देश की आजादी के बाद में कभी देखने को नहीं मिला। ओके, और यहाँ पे सभी राज्यों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोल दिया कि ऑक्सीजन की वजह से तो किसी की मृत्यु नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे 17 डेटा बताया गया है कि यहाँ पे 46% लोगों ने ये माना है कि उनको ऑक्सीजन की समस्या से जूझना पड़ा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। राज्यसभा में हेल्थ मिनिस्टर ने तो मना ही कर दिया कि नहीं नहीं ऑक्सीजन की वजह से तो किसी की मृत्यु नहीं है। इसके अलावा दोस्तों स्पेस टूरिज्म है जो कि दोस्तों बढ़ रहा है, जैसा कि आपको मालूम है अभी रिसेंटली दोस्तों जेफ बेजोस हो गए, साथ में आपके ठीक है वर्जिन कंपनी के जो ओनर है ब्रेंसन, उन्होंने भी जो है स्पेस के अंदर जो है वो गए थे, तो स्पेस टूरिज्म को दोस्तों बढ़ावा मिल गया है। और वर्जिन गैलेंटिक नाम की जो कंपनी है ना, उन्होंने दोस्तों ओपन कर दिया है कि वो स्पेस में दोस्तों लोगों को लेके जाने के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे जो रेंट रखा गया है वो $4.5 लाख है, यानी कि नियर बाय कोई 25-30 करोड़ रुपए के अंदर आप एक सीट बुक कर सकते हैं और आप स्पेस में जा सकते हैं। इससे पहले दोस्तों $28 मिलियन है जो कि दिया गया था, 150 करोड़ रुपए के आसपास है ना, जहां पे एक आदमी ने जो है वो दिए थे जाने स्पेस में जाने को लेकर। करंटली दोस्तों कई सारी कंपनी है, SpaceX है, ब्लू ओरिजन है, कई सारी कंपनी है जो कि स्पेस में लोगों को लेके जा रही है। यहाँ पे दोस्तों कई लोगों के द्वारा दोस्तों सीट भी बुक कर दी गई है, जैसे कि आपके जस्टिन बीबर है, ओके, आपके लियोनार्डो डी कैप्रियो है, इन लोगों के द्वारा तो पैसा दे दिया गया है, ये लोग तैयार है एकदम स्पेस में जाने को लेकर।
तो जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है ये लोग तो मतलब स्पेस में जो है वो ट्रैवल करके आने वाले हैं, ठीक है। और मतलब बहुत ही अजीब बात है, लेकिन 100 करोड़ रुपए 50 करोड़ रुपए अगर आप ह्यूमैनिटी में लगाओगे तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया में बहुत लोगों को हेल्प मिल सकती है। लेकिन अगर आप 2 दिन के अंदर 1 दिन की ट्रैवल करके आ रहे हो उसके अंदर मुझे लगता नहीं है। लेकिन ठीक है, जिसका पास जितना मनी है वही डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे उसको फूंकना है। चलिए, तो स्पेसशिप 2 है दोस्तों जो कि यहाँ पे बनाई गई है। कई सारे ट्रैवलर्स है, 8 लोग है जो कि यहाँ पे अकोमोडेट होके एक साथ जा सकते हैं, ठीक है गाइस। आज के दिन की बात करें तो अकबर का जन्म हुआ, जापान के ट्रूप्स ने दोस्तों डिफीट हुए उनको आर्मी से, रशियन आर्मी से, और एटॉमिक एनर्जी कमीशन का भी एस्टैब्लिशमेंट आज के दिन पे 1948 में हुआ। 1948 के अंदर फर्स्ट ओलंपिक गेम्स है जो कि 1938 के बर्लिन ओलंपिक के बाद में लंदन में कराए गए, ठीक है। चलिए, कैंसिल करवा दिए गए थे वर्ल्ड, आपको मालूम है इससे दो पहले वाले वर्ल्ड वॉर सेकंड की वजह से। चलिए, आज की वोकैबुलरी की बात करें तो सबसे पहला वोकैबुलरी कंप्लायंस, इसका मतलब होता है अनुकूलता। जब आप एग्रीमेंट करते हो तो उसको हम लोग कंप्लायंस कहते हैं। ट्वीक का मतलब होता है किसी भी चीज को सुधारना, सही करना। उसके अलावा थ्रेशोल्ड का मतलब है कि किसी चीज को लिमिट सेट करना, दहलीज सेट करना, समझ गए, पॉइंट सेट करना कोई। इनइविटेबल का मतलब होता है ऐसा काम जिसको कोई टाल ना सके, इनइविटेबल। क्लैमर का मतलब है जब आप जोर जोर से दोस्तों किसी चीज की डिमांड करते हो। नेक्स्ट होता है सब्स्यूम, सब्स्यूम का मतलब है किसी चीज को शामिल करना। नेक्स्ट है इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब है आरंभ, स्टार्ट करना। मूवी देखिए ना इंसेप्शन, उसका मतलब होता है बिगनिंग। अपटिक, अपटिक का मतलब है किसी भी चीज में इजाफा होना, अप का मतलब अपटिक। ओके, हेडरूम, हेडरूम का मतलब है जब अपॉर्चुनिटी जब आपको मिलती है किसी भी काम को करने के लिए, प्रोग्रेस को हम लोग बोलते हैं हेडरूम। नेक्स्ट है कैस्केड, कैस्केड होता है जो इस तरीके से जो कोई भी चीज होती है ना ड्रॉप होता है, उसको हम लोग कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं, वन बाय वन, ठीक है गाइस। इसके अलावा फन फैक्ट है दोस्तों आज का, जो कि है इन्वेंशन को लेकर। 2015 के अंदर दोस्तों रिसर्चर के द्वारा एक ऐसी किताब बनाई गई थी जिसको अगर आप पानी में डालोगे तो पानी एकदम क्लीन हो जाएगा। ओके, बहुत ही जबरदस्त रिसर्च थी, एक पेज डालोगे तो 100 लीटर पानी है जो कि फिल्टर आउट हो जाएगा। इसके अंदर दोस्तों जो है सिल्वर नैनो पार्टिकल है जो कि काम में लिए गए थे। ओके, ये वहां पे काम में लिया गया जहां पे बहुत गंदा पानी लोगों को पीना पड़ता है मजबूरी में। ओके, तो ये था आज का फन फैक्ट। इसके अलावा अगर आपको अकेडमी में किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप BHU10 या BHU10 एफ्लो कोड लगा सकते हैं, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। साथ में दोस्तों 15 अगस्त को हम लोग जो है 1000 बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं। ओके, शिक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे नाम से दोस्तों, जिसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर करना है उस कैंपेन को ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ओके सब जगह के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर। मुझे मालूम है आप लोग जो है शायद स्पॉन्सर नहीं कर सकते 500 रुपए पर मंथ पे एक बच्चे की पढ़ाई को, लेकिन आप में की जो शेयरिंग करने की जो कैपेसिटी है ना दोस्तों वो हमारी बहुत है। हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, जॉब करते हैं। हर एक आदमी अगर अपनी जिम्मेदारी समझे तो 1000 लोग हमें ऐसे मिल सकते हैं जो कि 1000 बच्चों को स्कूल में भेजने में मदद करेंगे, ठीक है। तो 15 से लेकर 15 अगस्त को ये कैंपेन है जो कि लॉन्च होगा। 1000 लोगों का टारगेट है जो कि किया गया है, 1000 लोग जो है 1000 बच्चों को स्पॉन्सर करें इसकी कोशिश की जाएगी। तो पूरा सपोर्ट करिएगा 15 तारीख को, 15 अगस्त को, ठीक है। स्माइल फॉर ऑल का जो यूट्यूब चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। अनअकैडमी लर्नर है आपको डाउनलोड करनी है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। प्लस में जाइए, गेट सब्सक्रिप्शन में 12 या 24 महीने पे सेलेक्ट करके BHU10 है जो कि आपको यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और साथ में आप यहाँ पे SSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप SSC के बैच में ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट GK जो कि मैं पढ़ा रहा हूं। आज का पहला सवाल है, विमान का संचालन करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है जो कि जीता है। तीसरा है, भारतीय टीवी शो में ठाकुर सज्जन सिंह की बेहद लोकप्रिय भूमिका किसने निभाई है। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण BRO ने कौन से राज्य में किया है। तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन दोस्तों, वर्ल्ड ट्राइबल डे आपको लास्ट क्वेश्चन के तौर पर बताना है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।